हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू मांडल अपने चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी लोगों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरा वीडियो जल्दी आ जाए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज बड़े बड़े ब्रिज होते हैं जिनका निर्माण अब बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है इंजीनियर द्वारा, लेकिन वो कभी कभी कमजोर होने के कारण वो जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसी ही घटना आई है देहरादून के उत्तराखंड के चमोली जिले में। ग्लेशियर फटने से उत्तराखंड आपदा में 5 पुल ध्वस्त हो गए हैं। संपर्क टूटने वाले गांवों में गिराए जा रहे हैं फूड पैकेट। के बाद आई बाढ़ से 5 बड़े पुल टूट गए हैं। जो ब्रिज है वो टूट चुके हैं। इससे तपोवन इलाके के 13 गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गए हैं। इन गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अचानक आए पानी के सैलाब से इस इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 5 पुल बह गए हैं। बाढ़ से एक बड़ा और 4 छोटे पुल जमींदोज हो गए हैं। ये पुल पहाड़ियों के बची 13 गांवों के संकरी सड़कों को जोड़ते हैं। जिन गांवों से संपर्क टूट गया है वहां हेलीकॉप्टरों के जरिए फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं, यानी उनको जो फूड पैकेट है वो दिए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। गहर बांग्यू रैली पली पांग लता ईस्ट तरह के जो गाँव है उनमें जहाँ पे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है वहाँ पे चमोली जिले की डीएम स्वाति भदौरिया और पुलिस प्रमुख पी यशवंत सिंह चौहान घटनास्थल पर ही कैंप कर रहे हैं। आपदा के तहत 17 ग्राम सभाओं पर असर पड़ा है जिनमें 11 में आबादी जबकि बाकी अन्य गांवों के बसिंदे ठंड के मौसम में निचले इलाकों में चले गए थे। और बता दें कि ये जो ब्रिज है, जो 5 ब्रिज जो ध्वस्त हो चुके हैं उनमें तपोवन में महत्वपूर्ण सुरंग की तस्वीरों से पता चलता है कि पूरा क्षेत्र कीचड़ और मलबे से भर गया है। एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। ये दोनों जल बिजली परियोजना सैलाब की चपेट में आ गई और रविवार रात तक करीब 170 लोग लापता बताए गए जबकि 10 के मारे जाने की खबर है। इंडो तिब्बतीयन बॉर्डर पुलिस ITBP राज्य आपदा मोचन बल SDRP और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRP के कर्मी तपोवन की 250 मीटर लंबी सुरंग के 150 मीटर अंदर तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि जो ब्रिज होते हैं वो कमजोर भी होते हैं, लेकिन जब उनका निर्माण सही तरीके से नहीं किया जाता तो वो ब्रिज जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं। तो इंजीनियर द्वारा हमारे जो इंजीनियर भाई है वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने के कारण वो जल्दी टूट जाते हैं या किसी कारणवश वो जल्दी टूट जाते हैं या ध्वस्त हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आई थैंक यू सो मच दोस्तों।